नमस्कार। आज की बड़ी स्टोरी में हम बात करेंगे सरस डेयरी में फैले भ्रष्टाचार की। अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर बन गए हैं, जो पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर के बेटे हैं। पहले सरपंच भी रह चुके हैं। चेयरमैन के चुनाव के नामांकन वापसी के आखिरी समय राम फल गुर्जर ने अपना पर्चा वापस ले लिया था। इस कारण विश्राम गुर्जर निर्विरोध चेयरमैन बन गए थे। विश्राम डेयरी के सबसे युवा चेयरमैन हैं। करीब 2 साल बाद अलवर सरस डेयरी को एक युवा चेयरमैन मिला था। पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीणा को कई तरह की अनियमितताओं के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद अब चुनाव हुए हैं, जिसमें विश्राम गुर्जर निर्विरोध चेयरमैन बने। इन पर पूरा राजनीतिक वरदस्त भी रहा है। विश्राम गुर्जर ने आते ही सरस डेयरी में सप्लाई होने वाले मिलावटी दूध के खिलाफ अभियान छेड़कर वाहवाही लूटी और अनेकों टैंकर मिलावटी दूध के पकड़कर पेनल्टियां भी लगाई गई। इतना ही नहीं, अलवर जिले में अनेकों जगहों पर सरकारी टीम के साथ भी दबिश देकर मिलावटी दूध और पनीर पकड़ा। विश्राम गुर्जर का कहना है कि वह जब तक है दूध में मिलावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इस बार पकड़े गए मामले में खुद विश्राम गुर्जर सवालों के घेरे में। इस बार दूध सप्लाई के टैंकर में तोल के समय कांटे पर चिप लगाकर वजन बढ़ाने के मामले में चेयरमैन के निजी पीए सौरभ गौड पर आरोप लग रहे हैं। तो ये जो सौरभ, इनका जो पर्सनल जो पीए है चेयरमैन साहब का, वो पकड़ा गया है चिप में। उसकी चिप भी है और चिप एमडी साहब को दे दी गई है और एक पुलिस रिपोर्ट में दी गई है। उस सिर्फ उस जो जो चिप में वो पकड़ा, जो चोरी कर रहा है पकड़ा है, उसको गिरफ्तार के लिए यही धरना दिया जा रहा है। कुछ धरना प्रदर्शित किया गया, क्या मांग? देखिए, जो सरस डेयरी के अंदर जो बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है और काफ़ी 2 सालों से चल रहा है, इसके अंदर भ्रष्ट कर्मचारियों ने जो चिप लगा के दूध को बढ़ाना, सिंबल यूजर का पैसा खाना, इतनी मैं कहता हूँ कि एक पूरा 2 साल से भ्रष्टाचार चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरों से 50 पैसे पर लीटर का कमीशन मांग रहे, डेली मंडी वालों से तो 2-2 रुपये कमीशन मांग रहे। सरस डेयरी हमेशा राजनीतिक रूप से चर्चाओं में रही। यहाँ विश्राम गुर्जर से पहले चेयरमैन रहे बन्नाराम मीणा भी विवादों में रहे। उन पर सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगे थे, जिसके चलते उन्हें पद से बर्खास्त होना पड़ा। दरअसल सरस डेयरी भ्रष्टाचार नामक दीमक की भेंट चढ़ चुकी है, जो उसे धीरे धीरे खोखला करती जा रही है। जब यहाँ विश्राम गुर्जर चेयरमैन बनकर आए और जिस अंदाज से उन्होंने मिलावटी दूध के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की, उससे एक उम्मीद जगी थी शायद डेयरी की साख पर जो धब्बा लगा है अब धुल जाएगा। लेकिन यह उम्मीद भी खत्म होती जा रही है, क्योंकि इस बार पकड़ी गई चोरी में चेयरमैन विश्राम गुर्जर के पीए सौरभ गौड शक के घेरे में। ऐसे में चेयरमैन को जवाब तो देना ही पड़ेगा, इसलिए उनके विरोधी उनकी मिली भगत के भी आरोप लगा रहे हैं। मंगलवार को डेयरी संघ से जुड़े कुछ लोगों ने नीलेश खंडेलवाल के नेतृत्व में सरस डेयरी पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एमडी को एक ज्ञापन सौंपा और इस मामले की जांच कर उसमें जो भी आरोपी हो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। देखिए, घोटाले तो मेरे हिसाब से जब से डेयरी में नए चेयरमैन का गठन हमने किया डायरेक्टर्स थे, तो वो जब बना तो उस समय एक ही ईमानदार उठा था कि हमने भी कहा था उससे कि भाई तू कभी भी इस चीज़ की कोई भ्रष्टाचार या कोई बेईमानी का कोई इस तरह का काम नहीं करेगा। तो उसने अपने माँ की कसम खाई थी और उस हिसाब को देखते हमने ठीक है भाई, तेरा भविष्य भी अच्छा बन जाएगा या कोई चीज़ है, पशुपालकों के हितों में हमेशा काम करना है। लेकिन जैसे जैसे काम चलने लगा, उसने कुछ समय के लिए 2-4 महीने तो एकदम ऐसा माहौल क्रिएट किया आम जनता को, पशुपालकों को या मीडिया कर्मियों को, उसने टैंकर फैलाने का एक माहौल फेक तरीके से तैयार कर दिया। एक ये लगने लगा कि वास्तव में ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी एक गेम था। उसने इस चीज़ को दिखा के एक टेरर फैलाया पूरे जिले के अंदर, क्योंकि पशुपालक बाद में जब आते थे तो उनकी फैट कम होती थी, ये चीज़ होती, तो उस तरह का उसके पास कोई जवाब नहीं, मैं ये कार्यवाही कर रहा हूँ वो कार्यवाही कर रहा हूँ। लेकिन जब परतें खुलने लगी हर चीज़ों की, जब पता लगने लगा कि इसने
कुछ लोगों से पैसा लिया और दूध तो आ नहीं रहा है, मतलब ओनली रिकॉर्डेड होता था वो बढ़ा दिया करता था। इस चीज की हम लोगों के पास प्रूफ है। तो जब इसको समझाया गया, बताया गया, हमने भी कार्यवाही के लिए ऊपर भी लिखा, सीएमडी से मिले, एमडी से मिले, लेकिन कुछ भ्रष्ट कर्मचारी मिलके इन लोगों ने सारे गेम को अपने अंडर में ले रखा था। जब ये परतें खुलने लगी, जब मैं बता रहा हूँ आपको कि जो निजी पी है सौरभ गौड़ है, मास्टरमाइंड है, इन लोगों ने एक प्लान सेट किया कि आपने माहौल तो बिल्कुल अपने फेवर में बना ही लिया, अब ये डेली दूध की फैट कम करना ओनली पशुपालकों को, लेकिन दूध को बढ़ाना एक चिप लगा के, ये कब से चल रहा है गोरख धंधा? ये काफी, मैं मान के चलता हूँ, मेरे तो 2 साल से 1.5 साल से तो कम से कम चल ही रहा है। हम 7 डायरेक्टर ने इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमको पता है कि मामले बड़े संगीन हैं, गंभीर हैं, तो हम लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया कि हमने, जब हमारे पास पशुपालक आता है तो हमको उस चीज़ का दुख होता था। मैंने, चिंता मत करिए, हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे। तो हमने उसका आवाज़ को उठाई भी, हमने हर चीज़ का सीसीटीवी कैमरे में, आज सौरभ गौड़ पकड़ में भी आ गया चिप का चेंज करते हुए, सारे का सारा सिस्टम है। जिस दिन छुट्टी थी ईद की, जब छुट्टी थी तो जब अधिकारियों ने क्लियर निकाल रखा है कि छुट्टी के दिन आप उपस्थित नहीं होंगे तो ये आए क्यों, आज मिली भगत है। क्योंकि जो भी काम चलता है एक सेंटर पॉइंट होता है और सारा की सारा वही चीज करके लोगों से पैसे वसूलने काम इन लोगों ने कई लोगों से किया है और कर रहे हैं। दूध बढ़ा रहे हैं, फैट कम कर रहे हैं, मिलावट में, मतलब कहते हैं कि इन्होंने सारी हदें पार करके ओनली एक ही इनका ध्येय है, पैसा कैसे कमाया जाए। दरअसल कुछ दिन पूर्व सरस डेयरी में एक बड़ी चोरी पकड़ी गई थी, जिसमें दूध के तोलने वाले कांटे पर चिप लगाकर दूध के वजन को बढ़ाया गया, वह भी हजारों लीटर। यह तो एक टैंकर था, जबकि ऐसे अनेकों टैंकर रोजाना आते हैं और संभावना है रोजाना सब में कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल होता होगा, तो सरस डेयरी को रोजाना लाखों का चूना भी लगाया जाता होगा। लेकिन इसका खुलासा भी खुद चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने ही किया था। उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्हें तोल में गड़बड़ी की सूचना मिली, जिसके बाद एमडी को उन्होंने निर्देशित कर टैंकर का तोल उन्हें कराने के निर्देश दिए थे। तो दूध की इस बड़ी चोरी का खुलासा हुआ। फिर एक बार विश्राम गुर्जर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही का सहरा अपने सर पर बांध लिया। एक टैंकर मालिक हमारे कांटे को हैक कर रखा था, जो लगभग रोज दूध बढ़ाता था। जैसे ही मेरी संज्ञान में आया, मैंने तुरंत एमडी साहब को बताया कि एमडी साहब अपने कांटे पे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जैसे ही वो टैंकर आया तो उसको जैसे ही बाहर तोलने के लिए भेजा, मैंने फोन किया एमडी साहब को कि एमडी साहब अब इतना नंबर टैंकर आ गया है, एमडी साहब 8638 नंबर एक टैंकर आया है, जिसको आप तुरंत जाके वजन खुद स्वयं वजन कराओ। एमडी साहब खुद स्वयं जाकर उसका कांटा कराया, उसमें 460 का डिफरेंस मिला और उसकी कार्रवाई, जैसे ही हमने टीम तैयार करके उसकी कार्रवाई करी तो हमने जैसे कांटा चेक करवाया तो उसमें एक चिप मिली, जिससे वो आदमी आकर रिमोट से उसको दूध को बढ़ाता था। लेकिन जब इसकी जांच आगे बढ़ी तो इसकी आंच चेयरमैन तक जा पहुंची। दरअसल जांच में सीसीटीवी की जब फुटेज खंगाले गए तो उसमें तोल के समय विश्राम गुर्जर के निजी पीए की संदिग्ध भूमिका नजर आई, जो कभी कांटे पर तुल रहे टैंकर की तरफ आता हुआ नजर आया तो कभी अंदर केबिन की तरफ आ जाता। उसकी यह सारी गतिविधियां वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अब भ्रष्टाचार के शक की सुई किसी और दिशा में घूमने लगी थी। अब सारा मामला खुलने के बाद एमडी डॉक्टर राकेश विजय को भी जान से मारने की धमकियां तक मिलने लगी, जिसकी शिकायत एमडी ने अरावली विहार थाने में दर्ज कराई। उधर पुलिस भी इस संदर्भ में जांच कर रही है। एसपी अलवर आनंद शर्मा ने बताया कि इस मामले में एसआईटी का गठन कर जांच पूरी कर जो भी इसमें सामने आएगा उसी के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, एक प्रकरण पुलिस थाना अरावली विहार में दर्ज करवाया गया है डेयरी प्रशासन के द्वारा, जिसमें उनका ये कहना है कि जो टैंकर से डेयरी में दूध जाता है वहाँ किसी ने एक चिप लगा करके
और उसमें गफलत की है जिससे डेयरी को और पशुपालकों को नुकसान हुआ है। तो उसी मामले में ये लोग चाह रहे थे कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमने इनको अश्योर किया है कि हम इसमें एक सीनियर अधिकारियों का जांच दल बनाएंगे जो इस इन्वेस्टिगेशन को नियमित रूप से सुपरवाइज करेगा और कोशिश करेगा कि मामले की तह तक पहुँचे, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है, इसमें काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स और काफ़ी सारे प्रोसीजर्स की स्टडी इन्वॉल्व होगी, इसीलिए हमने ने कहा है कि इसमें थोड़ा समय लग सकता है, पर हम बिल्कुल इसमें तह तक पहुंचेंगे और जो भी दोषी है ऐसा करने के उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। कुल मिलाकर सरस डेयरी में लगी भ्रष्टाचार रूपी दीमक को खत्म करने के लिए जरूरी है इस मामले की जाँच निष्पक्ष हो और जो भी इसमें आरोपी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि सरस डेयरी के साख जो है उसके साथ इसमें बनने वाले प्रोडक्ट पर भी जनता अपना भरोसा बनाए रखे। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने कमेंट भी जरूर भेजना। धन्यवाद।